मोदी राम नु पुछो तेरी धोती 13 रुपए दी दी जड़ी 13 लाख दी भाई फिरदा जेडी बीबियां बना बैठियां ना बरेबला करे दादा 100-100 रुपए लेंदियां ने आड़ती और किसान का एक ऐसा रिश्ता है जेड़ा इतना माँ पे का भी ना रिश्ता है। नमस्कार, मैं शशि चौरसिया आज अर्थ प्रकाश टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ चंडीगढ़ के मंडी में, जहाँ पे जानेंगे आज हम किसानों का हाल कि ये जो कृषि कानून लागू किए गए उसको लेकर उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, आज हम सीधी बात करेंगे उनसे। मोदी राम पूछो करी तो 13 रुपए दी जड़ी 13 लाख दी भाई फिरदा आज जिम्मेदार दे मुंडे नाल 1500 दी पेंट पाई भी थानू तकलीफ है कोई दसो तकलीफ है थानू कोई तू जीन पाई भी असी नहीं पा सकते जीन अभी कण 1700 रुपए रोड रही है उरे मंडी में क्या रेट मिल रहा है इस टाइम मंडी दा बहुत बुरा हाल है मंडी दा में 1700 रुपए कण बिक रही है 1700 रुपए भैया बिक रही है पहला की बात छोड़ो जी एक साल हो गया हैरान होए बे असी पहला बोली लगती थी अब बोली नहीं लगती कोई भी माल की नुकसान हो गया 6 महीने में 1700 रुपया अप हो गया थोड़े दिनों में नहीं 1600 रुपया कण नहीं चक्की साड़ी हो रही अब 1700 रुपया हुई है ये भी रोला रूला पै रहा है इतनी लुट 1900 रुपए का माल है नहीं 2400 रुपया साड़ी कणक बिकती थी आटा राम बाबा रामदेव के कोल का चक्की लगी भी बाबा रामदेव को दसो दिया थैलियां बिकदिया रैपर भर दे और सामने चक्की दे बाबा रामदेव दे रैपर भर दे दसो रामदेव बाबा जी किथा मिला मैडम दसो साडियां मिला लगियां मतलब ला लेंदियां इत्थे रैपर भरवांदे आए इत्थे ते ही आटा जांदा है इत्थे ते आटा भर दे आए गां अपनी मनमर्जी दे नाल बेचदे आ दसो कड़ी बाबा रामदेव कोल कड़ी कड़ी तेल दी मिल है ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇਲ ਭਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਰਗਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਉੱਥਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਹ ਤੈਨੂੰ 5-10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਰੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋ ਅਸੀਂ ਲਟਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ 10-10 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੇਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਮਾਂ ਪੇ ਕਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ एक दूसरे के साथ संपर्क है दुख सुख में संपर्क है। अच्छा नंबर दो एक गवर्नमेंट ने जो आड़ दिया है गवर्नमेंट ने उसको किया ना उसने उसका लाइसेंस बनाया उसने उसकी कमीशन तय की है वो गवर्नमेंट से आता है ना चोली तो वो लोग हैं जो ज़्यादा नफा लेकर कम लेकर ज़्यादा नफा लेते वो बिचौलिया गिने जाएंगे ये तो गवर्नमेंट के बंदे हैं लाइसेंस ही हैं गवर्नमेंट के इनको बिचौलिए नहीं बोलते। अच्छा किसान के साथ बड़ा संपर्क है हरेक आदमी इस दुख सुख में हर टाइम इकट्ठे ये बातें करनी चाहिए। मोदी जी ना हम कर रहे हो तो सत्यानाश वाली जिम्मेदार तो मर जूंगा उन आरती का हर हमारा तो उसका रिश्ता है जी बैंक हमारे से 100 डॉक्यूमेंट मंगेगा आरती से जब मर्जी हम रात बरात अच्छी रात पैसा ले इसलिए हमारे को आरती वाली आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर वो कितने गुस्से में है और देखते हैं कि ये जो मीटिंग अभी जारी है पांचवें दौर की आज देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है। ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं शशि चौरसिया कैमरामैन दीपक के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।